हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो आपके फ़ोन में ब्लूटूथ की स्टॉपिंग प्रॉब्लम है तो ब्लूटूथ की स्टॉपिंग प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो आपके फ़ोन में ब्लूटूथ कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम है तो ब्लूटूथ कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, सिंपली ऐसे आपकी फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है। सिंपली आप इतने बार बार आपके फ़ोन में ब्लूटूथ कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम आपके फ़ोन में शो होती है जैसे, तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले देखते हैं कि ऐप सेटिंग्स पे जाना होता है। तो ऐप सेटिंग्स पे जाते ही आपके पास ऑल ऐप्स आते हैं, तो ऑल ऐप्स को आपको इस तरीके से ओपन कर लेना है। जब आप ऑल ऐप्स को ओपन कर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है जी बोर्ड, तो आपको जी बोर्ड सॉरी गलत ऑप्शन पे आ गया, तो यहाँ पर आपको पहले जाना है शो सिस्टम ऐप्स, तो शो सिस्टम ऐप्स को ओपन कर लेना है। फिर आपको सर्च करना है ब्लूटूथ, तो यहाँ पर ब्लूटूथ ऐप सेटिंग्स आ जाएगी, जहाँ से आपको स्टोरेज एंड कैच पे जाना है और जो भी ब्लूटूथ की क्लियर डाटा है उसको क्लियर कर देना है। क्लियर करते ही यहाँ से आपकी जो ब्लूटूथ की स्टॉपिंग प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, और यहाँ से भी सॉल्व नहीं होती है तो सिंपली आपको यहाँ से जाना होगा सिस्टम सेटिंग पे। जब आप सिस्टम सेटिंग्स पे चले जाते हैं तो आपकी फ़ोन सिस्टम सेटिंग्स भी ओपन हो जाती है। फिर आपको रीसेट ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ से आपको रीसेट सेटिंग्स पे चले जाना है। जो भी ब्लूटूथ की ऑल सेटिंग्स होती है उसको हम यहाँ से रीसेट कर देंगे, जैसे ऑल नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करती है, जो भी ब्लूटूथ की स्टॉपिंग प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी और आपका जो ब्लूटूथ है वो सही तरीके से काम करने लगेगा और जो ब्लूटूथ सेटिंग से शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हैं ब्लूटूथ सेटिंग से आपके फ़ोन में शुरू से स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से ब्लूटूथ की स्टॉपिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी ठीक कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।